So, Flaning, you are with Rahul Sharma, your friend, guide, mentor, or teacher. What do you want to say? You can say. But शुरू करते हैं आज की क्लास कहां से? Fire and Ice. जी हां सर, Fire and Ice. सर एक और शॉर्ट पोएट्री. जी हां, एक और शॉर्ट पोएट्री बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आपने कहा सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री हम सब जानते हैं, नेचर लविंग पोएट होती है, लेकिन इनकी पोएट्री में कुछ अलग होता है डेफिनेटली. इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही ट्राई टू कन्विंस लॉट्स ऑफ थिंग्स. जी हाँ, बड़ी सारी चीजें करने की बात करते हैं यहाँ पे. वो शो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी रियली नीड टू वर्क इट आउट. तो बच्चे जो टेंथ में पढ़ रहे हैं अपनी पोएट्री को देखते हैं. मेरी फर्स्ट वीडियो इससे पहले जो आपने देखी थी जिसके अंदर मैंने आपको पोएट्री को डील किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री थी, वो भी डस्ट एंड स्नो. अब हम सेकंड पे आते हैं, दैट इज फायर एंड आइस. लेकिन दोनों पोएट्री में सिमिलैरिटी सिर्फ ये कि दोनों छोटी पोएट्री. हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, समझ आपकी है, समझाना मैंने, आप क्लियर करेंगे. प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें खुद लिख लीजिएगा. इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, दोबारा से पहले पूरी पोएट्री पढ़ूंगा आपके लिए और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीजें हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए. द फर्स्ट वन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, सम से इन आइस. फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब यहाँ पे दो अलग चीजें हैं यार. दुनिया तो खत्म होनी है, एग्जैक्टली दुनिया खत्म होनी है, लेकिन कईयों का ओपिनियन है कि यार फायर से भी, कई कहते हैं आइस से खत्म होगी, लेकिन मैं फेवर करता हूँ डिजायर को. डिजायर तो सर लस्ट, जेन लस्ट, डिजायर लस्ट के लिए जाता है. तो हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, वो दो चीजों की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि वर्ल्ड वुड एंड अप ईदर इन अ हेट और ईदर इन लस्ट. दो चीजों वर्ल्ड खत्म होगा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सोच है जो इसने पोएट्री के थ्रू बताने की कोशिश की है. सेकंड पैरा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट. जी हाँ, आई नो इनफ ऑफ फेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट. जी हाँ, आइस से कुछ ज्यादा खतरनाक होगा डेफिनेटली. अगर आइस की बात करूं, आइस से डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी. एंड वुड बी सफिशिएंट. जी हाँ, वो सफिशिएंट है, खत्म कर दिया. आपने कहा दुनिया कैसे खत्म होगी, खत्म करने का तरीका क्या होगा? अच्छा, फिर सर राइमिंग स्कीम, मैंने आपको बताया था राइमिंग स्कीम कैसे निकालनी है. फर्स्ट वीडियो दोबारा जाकर देखें, आपको पता चलेगा राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है. इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएट्री. जंप अप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी पोएट्री. जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर पोएट्री में आपको दो से तीन वर्ड मीनिंग बताऊंगा मैं. I'm going to tell you two to three word meaning each and every poetry. तो यहाँ पे पहला word meaning आता है desire. डिजायर क्या होती है? वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड इन आर डेली वोकैबुलरी. जी हाँ, हम यूज भी करते हैं ना. डिजायर इज फॉर विश. जी हाँ, हम जो चाहते हैं. माई डिजायर इज टू बी द गुड टीचर, इज टू बी द बेस्ट टीचर, इज टू बी द वन हु कैन टीच एनीथिंग टू एनीवन इन अ इजी मैनर. डिजायर हो सकती है. तो आपने कहा सर विश, विश को कहते हैं डिजायर. सेकेंड पेरिश. सो व्हाट इज पेरिश? डाई, मरना. पेरिश, हाउ द वर्ल्ड वुड पेरिश. जी हाँ, दुनिया कैसे खत्म होगी, उसने यहाँ यूज की है. द वर्ड पेरिश रेफर्स टू हिज डाई. एंड देन सफीस. सर सफीस का बेसिक मीनिंग होता है सफिशिएंट. जी हाँ सर, सफिशिएंट को बोलते हैं सफीस. सर ये तो हो गया हमारा, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. सर फर्स्ट आपने बोला पोएट्री पढ़ो, पोएट्री को समझो, पोएट्री का बेसिक मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करो. सर सेकेंड आपने बोला सर कुछ वोकैबुलरी थी, कुछ वर्ड्स थे जो हम अपने वोकैबुलरी में ऐड करने थे, तो मैंने आपको बता दी. सर हमने राइमिंग स्कीम आपने बताया था कि कैसे निकालना है. हम दोबारा से दर्शन स्नो की वीडियो देखेंगे, उसमें फर्स्ट आपने बताया कि कैसे राइमिंग स्कीम को कैच करना है. जी हाँ, वो क्लियर हो गया. सर आगे आ गया सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो प्लीज बताओ दैट इज द पोएट्री डिवाइस यूज इन दिस पोएट्री. जी हाँ, द पोएट्री डिवाइसेस कौन से? एज यू कैन सी मेटाफर यूज हुआ, कंपेरिजन है. कंपेरिजन है जब हम देखते हैं सम से द वर्ड वुड एंड इन अ फायर, सम से इन आइस. सर देखो कंपैरिजन तो यही आ गया, फर्स्ट टाइम में कंपैरिजन आ गया, तो सर यहाँ मेटाफर तो यूज हो ही रहा है. सर लेकिन मेटाफर के साथ एंथेसिस भी यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को कंपेयर किया रहा है. व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू ऑपोजिट थिंग्स इन द सेम लाइन और सेम पैराग्राफ, इट इज एंथेसिस. याद रखें, एंथेसिस पोएट्री डिवाइस है हमारा जो यहाँ यूज हुआ है. तो आपने कहा सर हाँ, हमने यहाँ एक नया पोएट्री डिवाइस सुना कि एंथेसिस भी एक पोएट्री डिवाइस होता है, जो दो चीजें जो बिल्कुल अलग होती हैं वो एक साथ यूज हो रही हैं, तो वहां एंथेसिस यूज होता है. सो होप आप लोगों को समझ में आ गया हो और आपने लिख भी लिया हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, तो इसे लिख लेते हैं. दैट विल रियली गोइंग टू वर्क आउट फॉर अस. अब समझते हैं कुछ बेसिक पॉइंट जो इस पोएट्री में पोएट बताया जाता है. पोएट सर, पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखेंगे प्लीज. एंड देन
The boy from the world to understand one day the world will come to an end. जी हाँ, हम सबको जाना है कि दुनिया तो खत्म होनी है. One day definite है कि world would end one day. And then and that's personal. जी हाँ, बचेगा कोई भी नहीं. अगर आप सोचो ये बच जाएगा वो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. Everything will have to die. And then he emphasized that the hatred brings destruction of the nations. जी हाँ, hatred. वो जो कोल्डनेस है ना, वो आइस को रेफर हेटेड के लिए दिया गया. वो आइस जो रेफर की वो हेटेड के लिए. जी हाँ, हेट कहते हैं जब आइस कोल्ड होना, तो वो जो हेटेड है वो दुनिया को खत्म करेगा. जब हम लोग एक दूसरे से कोल्डनेस रखेंगे, दूर हो जाएंगे, हेट करते होंगे, तो वर्ल्ड वुड एंड इन हॉर्च. देन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस इज मोर डेंजरस. ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू. डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस इज मोर डेंजरस. As ice goes on melting, some very hated goes on ruining society. जी हाँ, जैसे ice melt होनी शुरू होती है, वैसे hated क्या होगा, ruin कर देगा पूरी society को. The whole society will ruin itself. And then we need to work for the next part. That is very important. We should just keep away from hatred and coldness. ये उसकी appeal थी हम लोगों के साथ, जो शायद हम लोग सुनेंगे नहीं, शायद हम लोग अप्लाई भी नहीं करेंगे, शायद हम लोग सोचने की कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ पे पोएट बिल्कुल सही बात बोल रहा है. उस टाइम टू रिव्यू द रियल वर्ड्स. नाउ वी शुड डस्ट कीप अवे फ्रॉम हेटेड एंड कोल्डनेस. ये उसका लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन थी जहाँ उसने बोलने की कोशिश की, कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स इफ यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी अ लाइफ फॉरएवर. पोएट्री को समझेंगे आप, पूरी तरह समझेंगे क्या क्या करना है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी रियली नीड टू कीप इन आवर माइंड. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, सम से इन आइस. फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोस हु फेवर फायर. जी हाँ, यहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू था. कुछ लोग ये बोलते हैं कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा फायर से, कुछ ये बोलते हैं कि वर्ल्ड खत्म होगा आइस से. बट फॉर दैट आई हैव टू डिजायर, जैसे मैं ये डिजायर जो होता है, द डिजायर ऑफ लस्ट, लस्ट इज द डिजायर, जहाँ चाहते हैं किसी चीज को, रियली दैट दैट मेक्स यू डोमिनेंट टू गेट दैट थिंग्स. फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो फायर की बात कर रहे हैं. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. But if I had to perish twice, जी हाँ, but if it had to be perish twice, दो बार, one from ice, one from fire. But if had to perish twice, I think I know enough of hate. तो यार hate का तो मुझे पता है, really I know what the hate, how it all goes on. I think I know enough of hate to say for the destruction ice is also great. तो यहाँ पे तो destruction through ice बी डेफिनेटली रूल आउट करेगी. कहीं ना कहीं बड़े सारे फैक्टर्स रेलिवेंट हैं यहाँ पे जो हमें समझ रहे हैं. एंड वुड सफीस, तो वो चीज़ यहाँ कंप्लीट होगी. तो आपने कहा सर यहाँ पे हम जब देखते हैं तो मेटाफर यूज हुआ, जहाँ पे फायर और आइस की बात करता है तो सर हमारे पास एंथेसिस यूज हुआ. अब मेटाफर और एंथेसिस, मेटाफर वो पोएट्री डिवाइस या फिगर स्पीच है जो कंपेरिजन के लिए यूज होता है. जब किसी चीज़ का रेपिटेशन कॉन्स्टेंट रेपिटेशन हो रहा होता है, वो साथ में उस चीज़ में कंपेरिजन किया जा रहा होता है, तो हम बोलते हैं मेटाफर यूज हुआ. एंथेसिस सर वहां यूज है जहां पे दो पूरी तरह से कॉन्ट्रेडिक्टली ऑपोजिट चीजें एक साथ यूज हो रही थी. सही है, ऑपोजिट फायर राइस दोनों पूरी तरह ऑपोजिट है और दोनों एक साथ यूज हो रही है पोएट्री के अंदर, इसलिए एंथेसिस का यूज हुआ. ये तो पोएट्री होपफुली आपको समझ आया हो. अब आते हैं क्वेश्चन पे. सर क्वेश्चन कौन से होंगे, हम दो पहले से बात करते हैं. सर पहला क्वेश्चन जो बनता है मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो ये बनता है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पोएट. जी हाँ, पोएट का आइडिया क्या था इस पोएट्री के पीछे. राइट राइट डाउन दिस पोएट्री. तो सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ दिस पोएट्री आपको वर्कआउट करनी है. देन अगर वो आर्टिस्ट होती है तो क्वेश्चन आता है सर नेम द पोएम एंड द पोएट. देन यू नीड टू गिव द नेम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. जी हाँ, ये हमें याद रखना है और हम पेपर में लिख के आएंगे. देन वो हो सकता है यहाँ पूछे कौन कौन सी पोएट्री डिवाइस और फिगर स्पीचेस यूज हुए हैं. याद रखें पोएट्री डिवाइस और फिगर स्पीच बहुत ज़्यादा सेम थे, हमें ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे दो पोएट्री डिवाइस या फिगर स्पीचेस यूज हुए हैं, द मेटाफर एंड एंथेसिस. एंड देन मे बी ही कैन आस्क यू द राइमिंग फ्लो, व्हाट इज द राइमिंग फ्लो ऑफ दिस पोएट्री. तो आपको चेक करना है लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड, वहाँ पे क्या है. ए बी बी ए ट्वाइस हेट आइस, ए बी ए ग्रेट हेट ग्रेट, ए बी ए बी. हमारे पास ए बी पोएट्री डिवाइस यूज हुआ, हमने देखे यहाँ.
ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमें क्लियर करना था। इसके अलावा आपको क्या करना है ताकि इस पोएट्री को अच्छे से डील कर पाएं, वो समझ पाएं, करने का तरीका क्या होगा, मैक्सिमम नंबर कैसे लेने हैं। पोएट्री को निकालो, बुक लो, साथ में पूरी पढ़ो, अपने आप वीडियो ऑन करो, वीडियो को देखो, बेसिक मैसेज कवर करो, फिर उन आंसर्स को लिख के देखो। राइट डाउन दीज आंसर्स, द मोर यू राइट डाउन द मोर यू ग्रैब द बेसिक थिंग्स इन योर माइंड, और वो डेफिनेटली काम करेंगे आपके लिए, बिकॉज यू गोइंग टू डील विद दीज थिंग्स इन अ कस्टम वे। जी हाँ, आपको आदत हो जाएगी, और जब हमें किसी चीज की आदत होती है तो हम बहुत ईजिली कर पाते हैं। बाकी भी पोएट्री हैं, अभी अभी खत्म नहीं हुआ कुछ दोस्तों, अभी बाकी चीजें बाकी हैं, वो सारी की सारी चीजें हम साथ में करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, बाकी बाकी लोग भी देख पाएं और समझ पाएं कि करने का तरीका क्या है। फॉर दैट कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहो और करते रहो, क्योंकि कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे। बाय गाइस।